अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली स्टोरी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मीकू। तो आज मैं जैसे ही ऑफिस से फ्री हुई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। तो जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने सर्दी को देखा तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बाहर हल्का फुल्का ट्राई किया जाए। सर्दी का मौसम और कुछ खाया ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं सीधा पहुँच कैफ़े क्लाइंट्रो जो कि है लोकेटेड कोहिनूर के अंदर। तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, मेरे सामने मज़े के मुझे नज़र आ गया केक। मुझे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगी थोड़ी को देख के, तो मुझे और ज़्यादा भूख लग गई। तो आगे की तरफ मैं चलती हूँ और यहाँ पे तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पे तो ईट प्ले लव सब कुछ नज़र आपको आता है। ये सब देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मेन्यू देखा जाए। तो आज मैं देखती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ। वैसे मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी और सर्दी का मौसम हो और सूप ना ट्राई किया जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सूप देखती हूँ और इसके साथ और कुछ डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या खाना है। जैसे ही मेरा ऑर्डर डिसाइड हुआ, यहाँ पे आज मैंने इनका मंगवाया था मोरक्कन चिकन स्टिक्स और इसके साथ मैंने मंगवाया था इनका हॉट एंड सॉर्ट सूप, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में तो मज़े का लग रहा है। अभी मैं खाती हूँ और टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा है। वैसे अगर कैफे क्लाइंट्रो की बात की जाए तो फैसलाबाद की टॉप 10 में इसका नाम शुमार होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खानों के लिहाज से बहुत ही मज़े का है। और इसके अलावा जैसे ही आप सब कैफ़े क्लाइंट्रो आते हैं तो यहाँ पे आपको एक पुरसकून हॉल दिखने को मिलता है। तो मेरे सामने आ गया चिकन स्टेक्स, जो कि दिखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है। वाओ, मैंने जैसे ही खाया मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा। अभी ये वाली बाइट आप सबके लिए, आप सब टेस्ट करके बताएँगे आप सबको कैसा लगा। तो जैसे मैंने खाया मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा। मेरी तरफ से तो है इसको 10/10, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। तो जब तक मैं खाना खा रही हूँ, आप सब जल्दी से जाएं मेरे चैनल पे विज़िट करें और जल्दी से जाके मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इसके अलावा बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाला व्लॉग्स आपको जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।